दिस इज सर शुएब फ्रॉम सर शुएब टीन चैनल। क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ठीक है, चले चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आज आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा, बहुत आसान एग्जाम्पल के साथ और बड़ी मजेदार एग्जाम्पल के साथ ये समझाऊंगा, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो चले चलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। देखिये, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन 2J के अंदर ये डिफाइन है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आसान अल्फाज के अंदर मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि शुरू में तो वैलिड होता है, फिर कुछ रीजंस की वजह से वो वॉइड हो जाता है। ठीक है, यानी आसान अल्फाज में समझाओ तो कॉन्ट्रैक्ट पहले सही कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वक्त के साथ कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाता है, ठीक है ना, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, मैं बहुत इजी एग्जांपल से समझाऊंगा और कुछ मजेदार एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, नंबर वन है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देखें, इसकी एक बहुत मजेदार एग्जांपल है, मैं बच्चों को देता रहता हूं कि मिसाल के तौर पे एक लड़का है, उसकी एक लड़की के साथ शादी होने वाली है, दोनों खुश है कि शादी होने वाली है, लेकिन लड़की का इंतकाल हो गया। ठीक है, तो ये अब कॉन्ट्रैक्ट पहले तो ठीक था, लेकिन हालात की वजह से लड़की मर गई तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। आप एक घोड़ा खरीद, एक और एग्जांपल देते हैं कि आप एक घोड़ा खरीदने वाले थे। ठीक है, आपने घोड़े के पैसे भी दे दिए थे, घोड़ा अच्छा भी लग रहा था आपको, लेकिन जब घोड़ा लेने गए तो घोड़ा मर गया, तो यह परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। पहले ठीक था, फिर अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब दूसरी एग्जाम्पल देते हैं, दूसरी क्या, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। हालात कुछ ऐसे बनते कि वो चीज इलीगल हो जाए। मिसाल के तौर पे अभी जैसे COVID-19 चल रहा है, इसके अंदर दुकान खोलने में कोई पाबंदी वैसे आम दिनों में नहीं होती, लेकिन अभी कुछ लोग जो दुकान खोलते हैं इनको इलीगल करार दे दिया गया है और दुकान बंद करवा दी जाती है, तो सब्सिक्वेंट इलीगलिटी हो जाती है। कारोबार तो लीगल था, लेकिन अब इलीगल हो गया। कभी कभी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हालात खराब हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं अब वो उसके ऊपर, जैसे टमाटर का कारोबार जो करते हैं, इंडिया से टमाटर आते हैं या प्याज आती है, तो वो भी काम इलीगल हो जाता है। वैसे टमाटर और प्याज में कुछ इलीगल वाली बात नहीं है, लेकिन हालात ने उसको इलीगल बना दिया। ठीक है, तो तीसरी अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट। वो इवेंट जो हो ही ना सके, इसकी मिसाल है कि आपने मिसाल के तौर पर कोई किसान के साथ आपने डील की कि मैं आपकी फसल खरीदूंगा, ठीक है, लेकिन फसल हुई नहीं या फसल खराब हो गई, तो आपका डिपेंडिंग इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक और एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, उसका कॉलेज का आपने कहा कि भाई मैं आपकी कॉलेज की फीस भरूंगा अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ठीक है, बच्चे का कॉलेज का टेस्ट ही पास नहीं हुआ, तो अब ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्योंकि वो फेल हो गया तो वो एडमिशन फीस आप कैसे देंगे, तो डिपेंडिंग इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए, जो होने वाला इवेंट है वो हो ही नहीं सके, तो इसकी वजह से जो ये तमाम चीजें, ये कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड था, कोई कॉन्ट्रैक्ट में खामी नहीं थी, लेकिन हालात ने इसको क्या कहते हैं खराब बना दिया या वॉइड बना दिया, तो दिस इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ऑब्लिगेशन टू पार्टीज की बात करें, तो ऑब्लिगेशन टू पार्टीज का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज बड़ी जिम्मा होती है, किसी को भी अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, दोनों कोई राइट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों के ऊपर नहीं रहती, लेकिन हाँ कुछ अगर बेनिफिट लिया है किसी ने तो वापस करना जरूरी होगा। जैसे मिसाल के तौर पे वो घोड़े की मिसाल है, अगर आपने घोड़े के कुछ पैसे दे दिए तो उसका फर्ज है कि वो आपको पैसे वापस करे। ठीक है, अगर पाकिस्तान इंडिया से टमाटर की मिसाल लें, तो अगर आपने पाकिस्तान में किसी बंदे ने इंडिया वाले को टमाटर के पैसे दे दिए, तो अब वो तो टमाटर तो नहीं आ सकते, हालात ने इलीगल बना दिया है, तो क्या कहते हैं उसको पैसे वापस करने होंगे। तो ये कुछ ऑब्लिगेशन टू पार्टीज होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।